देश भर में लव जिहाद और धर्मांतरण का मुद्दा पूरी तरीके से जोर पकड़ चुका है। कई जगहों से नृशंस हत्या की खबरें भी सामने आई हैं। लगातार थानों में इसको लेकर केस भी दर्ज हो रहे हैं, लेकिन इन सभी को दिग्विजय सिंह के ट्वीट ने नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने इसके जरिए जिहाद का मतलब समझाने की कोशिश की है। वहीं अब उनके इस ट्वीट के बाद दिग्विजय सिंह एक बार फिर भाजपा के निशाने पर आ चुके हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लव जिहाद और धर्मांतरण के कई मामले आ रहे हैं सामने। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के जरिए फिर मचाई सनसनी। लोगों को दिग्विजय सिंह ने समझाया जिहाद का मतलब, पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया करारा पलटवार। दरअसल सियासत में गरमा रहा लव जिहाद और धर्मांतरण का मुद्दा अब कांग्रेस के लिए हिंदुत्व की तरफ बढ़ने की मजबूरी बनता नजर आ रहा है। इसी का नतीजा है कि दिग्विजय सिंह को मैदान में उतरकर ट्वीट के जरिए जिहाद का मतलब समझाना पड़ा। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है प्रयत्न करना नैतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए की जाने वाली जद्दोजहद या फिर संघर्ष। इसके साथ ही उन्होंने प्रवचन करने वाले बाबाओं पर भी निशाना साधा और हिंदू धर्म का पाठ पढ़ाया। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह बात कभी पीएफआई सिमी को समझाई है का? सनातन का अपमान करना दिग्विजय सिंह की आदत बन गई है। कितनी मासूमियत से दिग्विजय सिंह जी ने यह बात कही है और क्या डेफिनेशन दी है आप देखें। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, कभी ये परिभाषा आपने आईएसआई को समझाई, अलकायदा को समझाई, पीएफआई को समझाई, सिमी को समझाई? आपको बस आदत बन गई है सनातन का अपमान करने की, सनातन धर्म पे हमला करने की। कल भोपाल में माननीय प्रदीप मिश्रा जी ने लव जिहाद को लेकर बच्चियों को संस्कार की बात करी, सुरक्षा की बात के ऊपर उन्होंने ज्ञान दिया, आपको ये यखर गई और आपने सुबह ही सनातनी को लेकर संतों को ढोंगी करार दे दिया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, आदरणीय प्रियंका जी से, जो धर्म का चोला ओढ़ के आते हैं, कि दिग्विजय सिंह जी ने जो सनातनी संतों के बारे में बोला है, इससे आपत्तिजनक बयान को क्या आप सही मानते? तो हां करो, और ना करते हो तो कार्रवाई करो, पर ये करेंगे नहीं क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। कमलनाथ जी मौन ही रहेंगे। सर, कमलनाथ जी, जिहाद का नया मतलब समझाकर दिग्विजय सिंह ने एमपी की सियासत में नया तड़का डाल दिया है। वहीं अब देखना होगा कि यह तड़का राजनीति में कितना स्वाद बढ़ाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।